Hi, Scorpions. This is Guinea, and this is your reading for the month of January 2023. Uh, 23 readings will come up tomorrow, hopefully. And uh, wow, what wonderful cards you have! Happy changes, everything happy, happy, happy. Good news from your children, um, things. Are beginning to move Things are going to move and मूव moving in the right direction bahut mm -hmm. बहुत uh, खुशखबरियाँ आएंगी वक्त अच्छा um, बहुत सुंदर वक्त आने वाला है और गुड um, न्यूज आने वाली है आपके बारे में आपके बच्चों के बारे में uh, हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जीत जाए या अवार्ड ले ले या um, क्लास में फर्स्ट आ जाए या कुछ भी मतलब ये लोगों का है मानना कि वो चाहते हैं कि बच्चा फर्स्ट आए आ, मेरे हिसाब से बच्चों को कभी पुश नहीं करना चाहिए कभी पुश नहीं करना चाहिए बहुत स्ट्रेस होता है बच्चों को आप सोचो कि आपके बॉस आपके ऊपर जब प्रेशर डालते हैं तो आपको कैसा लगता है आपकी तो इतनी उम्र है आप छोटे छोटे बच्चों को इतना प्रेशर दे रहे हो गलत है पर खैर आपको अगर बच्चा खुशी से करता है अपनी मर्जी से करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है हालांकि वो भी बच्चा तभी करेगा जब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बचपन में माँ बाप ने डाल दिया है बट ठीक है चलो वो अपनी मर्जी से और खुशी से कर रहा है और इंजॉय कर रहा है उसे गुड न्यूज तो डेफिनेट है इसमें तो कोई दो राय नहीं है और आपकी जिंदगी में छोटे मोटे अचानक बदलाव भी आएंगे अम्म um, हो सकता है कि कुछ ऐसे मौके आए जो जैसे कि मैंने कहा कि अचानक बदलाव आएंगे तो कुछ ऐसे मौके आएंगे uh, कि के आप uh, सोच में पड़ जाओगे कि ये मौका लूं या नहीं लूं डेफिनेटली लो क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं या जो आपको ये मौका दे रहे हैं या देना चाहते हैं या फ्रेंड्स हैं या वो सब भरोसे लायक हैं और डरने की कोई बात नहीं है ऑल्सो uh, मुझे लगता है कि आप जैसे कि अचानक मौका आना हो सकता है कि आपको किसी दूसरी शहर में दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़े या ट्रैवल करना पड़े तो ये मुझे तो शिफ्ट वाला मामला लग रहा है आ, लेकिन आप जाओगे और अचानक से जाओगे और हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले और अगर आपको उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी पता है तो ये एक सीखने का मौका है जब कुछ नया करते हैं तो हम लोग उसमें से सीखते भी तो हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है अः उसके अलावा जो भी हाँ मेन बात उसके अलावा आप जो भी करो डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि बुद्ध वक्रिया जा रहा है दो तीन दिन में और सॉरी डेढ़ बज रहा है रात का बुद्ध वक्रिया जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स ठीक से ध्यान से पढ़ लेने चाहिए जरूरत पड़े कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो तो किसी लॉयर से भी चेक करवा लेना बेहतर रहेगा और आ, आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो बहुत ही ब्लंट है मतलब जैसे मुंह पे दे मारता है बात लेकिन सच बोलता है और समझदार है बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे शब्दों के साथ खेलना आता है अपना काम निकलवाना आता है तो अगर ऐसे किसी इंसान से मिलते हो तो उससे कुछ सीखो शायद आपको जरूरत हो सीखने की कभी कभी कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें ऐसा बनना पड़ता है एंजल गाइडेंस क्या कहता है एंजल गाइडेंस कहता है कि आप प्यार के लायक हो अपनी कीमत को पहचानो उम्मीद मत छोड़ो और सिर्फ प्यार से सोचो प्यार के बारे में सोचो और प्यार बांटो और जो शैम्युल आपको आपके ट्विन फ्लेम के नजदीक ले जा रहे हैं आपको इस महीने आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है और आप दोनों मिलके इस जिंदगी को बेहतर जी पाओगे और जिंदगी की मुश्किलों से इकट्ठे बेहतर लड़ पाओगे इतना ही नहीं आप दोनों को जिस कार्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है वो कार्य करने में आप दोनों एक दूसरे के मददगार हो और बेहतर होगा तो गुड न्यूज फेंटेस्टिक न्यूज आई मीन ऑल योर कार्ड सो सुपर सो ये था जनवरी के लिए मीन अगर आपको रीडिंग पर्सनल लेनी हो या आप कंफ्यूज्ड हैं कि एक दो तीन चार में से मेरा फ्लेम कौन है मेरा सोलमेट कौन है यू कैन ऑलवेज टेक अ रीडिंग टेक अ ट्विन फ्लेम रीडिंग इफ यू एंड उस ट्विन फ्लेम के साथ आपकी अड़चने आपकी दिक्कतें आपकी जिंदगी कैसी होगी या आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उस बारे में भी uh, बताया जा सकता है ताकि वो रिश्ता बैलेंस कर सको आप और उसे ठीक से जी सको तो ये था जानवरी के लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना अगर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना मत भूलना मैं जानना चाहूंगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आ, कैसा लगा और हाँ बाकी सो जाओ मस्त मस्त सपने देखो गुड नाइट मुझे तो अभी बहुत काम है